सब्सक्राइब कीजिए बेसिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाइए ज्ञान से भरी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मूवीज़ तो हम सभी देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये मूवीज़ पैसा कैसे कमाती हैं? मूवीज़ तो थिएटर्स में दिखाई जाती है ना, तो उससे मूवीज़ के प्रोड्यूसर्स को कैसे प्रॉफिट मिलता है? ये क्या मूवीज़ सिर्फ टिकट सेलिंग से ही पैसा कमाती हैं? तो आज की वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडिया में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका बिजनेस मॉडल क्या है। अर्निंग से पहले हम ये समझते हैं कि एक मूवी को बनने में कितने तरह के एक्सपेंसेस लगते हैं। तो इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब जब एक मूवी बनती है तो वो इन चार स्टेजेस से होकर गुजरती है, डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। डेवलपमेंट स्टेज में हमारा आता है स्क्रिप्ट राइटिंग, जो कि सबसे स्टार्टिंग एंड मूवी का बेस होता है। मूवी की स्टोरी, डायलॉग्स, ये सारी चीजें जो हैं वो डेवलपमेंट स्टेज में की जाती हैं। उसके बाद आता है प्री प्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज में पूरी प्लानिंग होती है कि मूवी की शूटिंग किस लोकेशन पे होगी, हीरो हीरोइन अदर एक्टर्स कौन होंगे एंड जो पूरी टीम होती है जो मूवी की शूटिंग पे जाएगी उसकी प्लानिंग होती है। उसके बाद फिर प्रोडक्शन स्टेज में मूवी की एक्चुअल शूटिंग होती है, जो उसकी प्लानिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग। तो मूवी की शूटिंग के स्टार्ट होने से उसके एंड होने तक जितनी भी चीजें हैं वो आती हैं प्रोडक्शन स्टेज के अंदर। फिर आती है लास्ट स्टेज, पोस्ट प्रोडक्शन, में जो मूवी शूट हुई थी उसकी एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, साउंड डिजाइन एंड म्यूजिक वगैरह का काम किया जाता है। अब यहाँ पे इन चार स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद फिल्म कंप्लीट बनके तैयार हो जाती है। अब यहाँ तक जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे पेमेंट ऑफ एक्टर्स, आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस एंड जो फिल्म से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, वो सारे एक्सपेंसेस प्रोड्यूसर पे करता है। अब प्रोड्यूसर जो इस मूवी पे पैसे लगाता है वो इससे कैसे प्रॉफिट कमाता है, ये सारा बिजनेस मॉडल सप्लाई चेन पे काम करता है। यहाँ पे दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस में कुछ प्रोड्यूसर्स खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, जैसे यशराज फिल्म्स, धर्मा, यूरस नाउ एटसेट्रा। एंड सेकंड केस में इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स होते हैं जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मूवी बेच देते हैं एंड उसमें अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब यहाँ पे अगर सेकंड केस की बात करें तो प्रोड्यूसर के लिए पहले ही मूवी हिट होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने पहले ही मूवी को प्रॉफिट पे डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दिया है। तो अगर मूवी मान लो कल को फ्लॉप हो जाती है तो उसका लॉस डिस्ट्रीब्यूटर को बियर करना पड़ता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की, असली खेल यहीं से शुरू होता है। डिस्ट्रीब्यूटर इसके बाद फिल्म की मार्केटिंग एंड प्रमोशन पे अच्छा खासा पैसा लगाता है, क्योंकि आजकल मार्केटिंग एंड प्रमोशन का मूवीज हिट या फ्लॉप होने पे एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब मार्केटिंग एंड प्रमोशन करने के बाद जो ओवरऑल कॉस्ट हो जाती है फिल्म की, वो हमारी यहाँ पे आ जाती है। अब फिल्म रिलीज होने के लिए रेडी है, अब डिस्ट्रीब्यूटर इससे पैसे कैसे कमाता है? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर जो मूवी के सैटेलाइट राइट्स एंड म्यूजिक राइट्स हैं वो सेल करता है। सैटेलाइट राइट्स मतलब जब मूवी को टीवी पे दिखाया जाता है तो टीवी चैनल्स को उसके राइट्स को खरीदने के लिए प्रोड्यूसर्स को अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। तो मूवी के रिलीज होने से पहले ही इस तरह के टीवी, म्यूजिक, ऑनलाइन राइट्स से डिस्ट्रीब्यूटर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी रिकवर कर लेता है। इसके बाद आता है मेन काम, मूवी को थिएटर्स में रिलीज करवाना। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को उसके नीचे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल कर देते हैं, जो कि देश के अलग अलग भागों में बटे होते हैं। अब ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके एरिया में जो सिनेमा थिएटर्स के ओनर्स हैं उनको वो मूवी सेल कर देते हैं। अब जब फिल्म रिलीज होती है और फिल्म के टिकट बेच के जो पैसा कमाया जाता है उसे कहते हैं ग्रॉस इनकम। तो उस ग्रॉस इनकम में से सारे टैक्सेस पे करने के बाद जो नेट इनकम बचती है उसे थिएटर ओनर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शेयर करते हैं, जो कि जनरली इन रेशियोज में बटी होती है। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में ये होता है 25:75, यानी सपोज अगर मूवी 100 करोड़ कमाती है तो थिएटर 25 करोड़ रखेगा एंड डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेंगे 75 करोड़। इसी तरह से मल्टीप्लेक्स में ये रेशियो थोड़ा हाई होता है एंड वीक वाइज होता है। वीक फर्स्ट में होता है 50-50, वीक सेकंड में होता है 60-40, वीक थर्ड में होता है 70-30 एंड उसके बाद सेम एज वीक थ्री। ये सब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो इस तरह से लास्ट में जो मूवी टिकट से पैसा कमाया जाता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर होता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रॉफिट कमाते हैं। अब सपोज अगर मूवी की टिकट ही नहीं बिकती या कम बिकती है तो थिएटर्स पैसा नहीं कमा पाते, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स लॉस में चले जाते हैं और फिल्म फ्लॉप हो जाती है। इसको अच्छे से समझने के लिए एक रियल मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं हिंदी मीडियम मूवी। तो हिंदी मीडियम मूवी का बजट हम मान लेते हैं 20 करोड़, कि फिल्म 20 करोड़ में बनके तैयार है। अब सपोज प्रोड्यूसर्स ने इसको डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दिया 40 करोड़ में, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं। 40-20=20 करोड़। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने मूवी के मार्केटिंग एंड प्रमोशन पे खर्च किए एक्स्ट्रा ₹10 करोड़, तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी ₹50 करोड़ और डिस्ट्रीब्यूटर ने इसके सैटेलाइट राइट्स एंड अदर राइट्स को 15 करोड़ में बेच दिया, तो 15 करोड़ तो डिस्ट्रीब्यूटर के यहीं से रिकवर हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने इस मूवी को इंडिया में अलग अलग एरियाज में जो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भेज दिया और इन सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने थिएटर्स ओनर्स को। मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन ईजिली समझ आ सके। तो सपोज मूवी ने टोटल 100 करोड़ ग्रॉस इनकम कलेक्ट की टिकट सेलिंग से। अब इस 100 करोड़ में 28% GST इंक्लूड होता है, जो कि थिएटर्स को गवर्नमेंट को पे करना होता है।
तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 128 इज इक्वल टू 22 करोड़। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 22 करोड़ कैसे आया, तो जब हम टिकट खरीदते हैं उसके अंदर जीएसटी पहले से इंक्लूड होता है, तो इसका मतलब इस 100 करोड़ में जीएसटी इंक्लूडेड है, तो हमें इस 100 करोड़ का 28% नहीं करना है, जो इन टिकट की कॉस्ट थी उस पे 28% करना होता है, जो कि इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी 22 करोड़। अब टैक्स पे करने के बाद नेट कलेक्शन बच जाएगा ₹78 करोड़। अब इसमें से जैसे मैंने आपको रेशियो बताया था, सिंगल स्क्रीन के लिए 25:75, उस हिसाब से अब ये डिस्ट्रीब्यूटर को चला जाएगा। तो 78 करोड़ में से अगर डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर निकालेंगे तो बनेगा 78 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ₹58.5 करोड़। और थिएटर्स के पास रहेगा ₹19.5 करोड़। तो अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को कितना प्रॉफिट हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर को टोटल कॉस्ट पड़ी थी, उसने प्रोड्यूसर को दिए थे 40 करोड़ प्लस मार्केटिंग एंड प्रमोशन पे लगाए थे 10 करोड़, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 50 करोड़। और डिस्ट्रीब्यूटर की अर्निंग हुई है सैटेलाइट एंड अदर राइट्स 15 करोड़ प्लस ये 58.5 करोड़ इज इक्वल टू 73.5 करोड़। तो यहाँ पे 73.5 करोड़ में से माइनस करेंगे 50 करोड़, तो डिस्ट्रीब्यूटर को टोटल प्रॉफिट हुआ 23.5 करोड़ का। अब क्योंकि इस फिल्म को अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो इसको हिट या सुपर हिट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ऐसे ही जो फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल है वो काम करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कई केसेस में प्रोड्यूसर ही खुद डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एंड क्योंकि फिल्म में बड़े एक्टर्स काम कर रहे होते हैं, तब फिल्म के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स खुद रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।